भागलपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर लगातार पहल की जा रही है। हर एक चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात किया गया है, लेकिन अब स्मार्ट सिटी में स्मार्ट तरीके से चालान भी किया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि भागलपुर के पुलिस लाइन में ICCC बिल्डिंग बनाकर तैयार किया गया है। यहां से शहर में ट्रैफिक के हर एक गतिविधि पर प्रशासन की नजर रहेगी। वहीं स्मार्ट सिटी योजना के तहत इसको बनाकर तैयार किया गया है। जिलाधिकारी की माने तो अगले माह से यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। ICCC बिल्डिंग शुरू हो जाने से आपके घर पर ई चालान पहुंच जाएगा। सिग्नल के समीप बने जेब्रा क्रॉसिंग को पार करते ही आपके घर पर चालान पहुंच जाएगा। शहर के 14 जगहों पर सिग्नल लगाकर तैयार किया गया है। सभी सिग्नल्स को शुरू कर दिया जाएगा। कई बार इसको ट्रायल में लिया गया लेकिन वह सक्सेस नहीं हो पाया था, लेकिन पुनः पूरी तरीके से तैयारी के साथ शुरू की जा रही है, जिससे कि शहरवासियों को जाम से भी निजात मिल पाएगा। कैमरे से पूरी ट्रैफिक की गतिविधि पर नजर बनाई जाएगी। शहर में गाड़ियों को चलाने के लिए कई रूल रेगुलेशन भी बनाए गए हैं। आपको बता दें कि शहर में गाड़ी चलाने के लिए स्पीड लिमिट 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होनी चाहिए। शहर में गाड़ियां चलाते समय हेलमेट अनिवार्य रूप से लगाना होगा। बिना जूते के गाड़ियां चलाना भी अब मुश्किल हो सकता है। शहर में जहां तहां गाड़ियां खड़ी करनी भी परेशानियों का सबब बन सकता है। जब एयरबैग्स हाई स्पीड में जो कोलिजन होता है, उसके बाद अगर एयरबैग्स खुलता है, तो अगर आप सीट बेल्ट धारण नहीं करते हैं तो उस एयरबैग से कोई मतलब नहीं रहेगा। उस एयरबैग्स के चोट से आपको इंजुरी हो सकती है, तो उस समय उसमें भी सीट बेल्ट धारण करना अत्यंत आवश्यक है। यही सब कुछ बातें हैं। स्पीड लिमिट कितना होना चाहिए? स्पीड लिमिट तो देखिए, अलग अलग जगह अलग अलग स्पीड लिमिट निर्धारित किया जाएगा। जहाँ पे आपको साइनेजेस लगाए जाएंगे और रेड कलर से सर्कल मार्क करके कहीं 20 पे कहीं 30 किलोमीटर प्रति घंटे ये स्पीड रखी जाएंगी। शहर में इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि चलने की आवश्यकता भी नहीं है, तो उसको भी ध्यान रखना चाहिए। मूल यही तीन चार बातें हैं जिसपे कि ड्राइवर्स को, जो भी टू व्हीलर्स के ड्राइवर हैं या फोर व्हीलर्स के ड्राइवर हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए, और ये सारी कवायद उनकी खुद की सुरक्षा के लिए। सुरक्षा के लिए लगातार जो है गाड़ी, हाँ वो दो तीन चीज़ है। एक तो पेड पार्किंग है, और पेड पार्किंग से चोरी की घटना नहीं हुई है जो मेरी जानकारी में है, और यहाँ DSP साहब भी SDO साहब भी उपस्थित हैं। CCTV कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं, और ICCC हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अगले महीने फुल फंक्शनल जो है वो हो जाएगा। जैसे ही इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर शुरू होगा, तो आपको पता है कि उससे जैसा हम लोग पहले से बता रहे हैं कि ऑटोमेटिक चालान कटना, 1800 से ज़्यादा CCTV कैमरा रहेगा, उसमें नाइट विजन कैमरा भी है, तो इसकी बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग हो पाएगी। और SDO SDPO इसको देखेंगे कि फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो रहे, और ताकि कोई इस तरह की घटना करने आता है तो उसको फर्स्ट हैंड ही अप्रीहेंड कर लिया जाए। और जो यहाँ सिक्योरिटी एजेंसी के लोग हैं उनको भी बताया गया है कि आप लोग भी अलर्ट मोड में रहें, कहीं कोई संदिग्ध गतिविधि होती है तो उसकी इमीडिएटली रिपोर्ट करें, ताकि पुलिस उस पर टाइमली एक्शन ले सकें।